स्वागत है आप सभी का RCI की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम तीसरा चैप्टर चल रहा था, उसका अगला जो टॉपिक है वो है चाल, जिसको बोलते हैं स्पीड। चाल को समझते हैं बेटा। तो चाल की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। चाल की जो परिभाषा है वो है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल बोलते हैं। तो एकांक समय अंतराल में, एकांक समय में तय की गई, समय अंतराल जो है उसको हटा, अंतराल को हटा सकते हैं हम। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु के क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का सूत्र लिखें तो चाल का सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, चाल का सूत्र क्या बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये चाल का सूत्र आपके पास आ गया। तो चाल बराबर आ गया आपके पास दूरी बटे समय। ठीक है, हाँ भाई, चाल कैसी राशि है, अगला पॉइंट देखें तो चाल का, चाल एक अदिश राशि है, यानी कि चाल की कोई दिशा नहीं होती, चाल एक अदिश राशि है। इसका मतलब चाल की कोई दिशा नहीं होती। मात्रक देख लेते हैं तो अगला पॉइंट हो जाएगा चाल का SI पद्धति में मात्रक। तो मात्रक इसका क्या आ जाएगा, SI पद्धति में मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मीटर और समय का आ जाएगा सेकंड। तो आपके पास आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और देखें तो CGS पद्धति में, CGS पद्धति में चाल का मात्रक क्या आएगा, हाँ भाई, CGS पद्धति में चाल का मात्रक मीटर किस में बदल जाएगा, सेमी में। तो सेमी यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो आपने पद्धतियाँ पढ़ी है उसके अनुसार हमने इसको लिखा है। तो ये एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी जो है वही वस्तु जो है अंतराल को, मैंने अभी आपको बताया था अंतराल हट जाएगा इसमें, क्योंकि एकांक समय तो उसमें अंतराल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा चार बार दूरी बटे समय, दूरी से मीटर और समय से आ जाएगा सेकेंड। CGS की बात करें तो CGS में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसी राशि है, ध्यान रखना है चाल अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, तो वही चाल के प्रकार देख लेते हैं। तो चाल के प्रकार पहला है आपके पास एक समान चाल जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दूसरा है असमान चाल या परिवर्तित चाल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा है आपके पास औसत चाल या माध्य चाल, और चौथा है तात्क्षणिक, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तात्क्षणिक चाल। आज हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कल बात करेंगे तात्क्षणिक चाल के बारे में। तो अब हम ले लेते हैं पहला और फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक समान चाल। परिभाषा देखें तो जब कोई कण समान समांतराल में समान दूरी तय करे तो कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भाई कैसे इस, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये लिखा हुआ उसको, और तो फिर एक समान चाल को हम समझेंगे। तो ये मान लीजिए कोई हमने ए से बी तक का पथ है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हमने बनाए। ठीक है, ये जो ये अपन ने सी पॉइंट ले लिया, डी ले लिया, ये समय हमने मान लिया टी है, समांतराल ए से सी का, सी से डी का भी हमने टी मान लिया, डी से बी का भी टी मान लिया। दूरी माने तो ए से सी की दूरी एक्स मान ली, सी से डी की दूरी एक्स मान ली, डी से बी की दूरी एक्स मान ली। तो भाई एक समान चाल में क्या होगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है कोई भी वस्तु या कण, तो ऐसी जो चाल उत्पन्न होगी वो चाल होगी एक समान चाल। ठीक है ना, तो क्योंकि समय समान और अंतराल भी समान है, दूरी भी समान आ रही है, तो ऐसी चाल को हम बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, देखो सभी गैप में वही समय है और उतनी ही दूरी ये तय कर रहा है, तो ऐसी चाल एक समान चाल। दूसरी हम बात करते हैं असमान चाल, नाम से पता चल रहा है असमान, यानी कि समान समय अंतराल में दूरी क्या रहेगी, असमान दूरी अगर कोई कण तय करता है तो उसकी चाल को हम बोलते हैं असमान चाल। तो देख लेते हैं इसको भी। तो भाई असमान चाल का मतलब क्या हो गया, कि जो आपका समय अंतराल है वो तो समान है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी जो वस्तु तय करेगी वो अलग अलग हो,
दूरी अलग अलग होगी तो उस कंडीशन में समान समांतराल में दूरी अलग अलग होने पर उस चाल को बोलते हैं असमान चाल। ठीक है, तो इसका मतलब समय अंतराल तो समान है सब में, लेकिन दूरी जो है वो सबकी अलग अलग होगी, तो इस कंडीशन में जो चाल उत्पन्न होगी वो होगी असमान चाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से अपन बना के भी इसको समझ सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट है औसत चाल या माध्य चाल। तो किसी वस्तु द्वारा अगर इसकी परिभाषा देखें तो तय की गई कुल दूरी और कुल जो दूरी है और कुल समय है उसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं, इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। तो वही इसकी बात करें तो औसत चाल की, तो भाई कुल समय मान लीजिए T1 समय, ये T2, ये T3 और इसकी दूरी X1 है ऊपर, ये दूरी X1 ले ली, ये X2, ये X3। ठीक है, तो औसत चाल क्या बनेगी, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी आ रही है तो वी एवरेज आपके पास आ जाएगी औसत चाल बराबर सभी दूरियां कुल दूरी। तो आप पहले सूत्र लिख लेते हैं औसत चाल का, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, जिसको हम लिखते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। ये समय आ गया, कुल दूरी आ गई। ठीक है, ए से बी का जो पथ है उसमें कुल समय कुल दूरी आ गई, तो इस तरह से हम इसके औसत चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी औसत चाल आई है उसको इस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, ये जो अपना तात्क्षणिक चाल है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको बस इतना ही समझना है कि औसत चाल क्या है। इसको अगर अपन सूत्र में लिखें तो वी एवरेज क्या आ जाएगा, सदिश लगा दिया तो ये वेग बन जाएगा, क्योंकि चाल अदिश राशि है तो यहाँ पर दिशा नहीं आएगी। ठीक है, तो वी एवरेज आपको लिखना है, तो वी एवरेज आपके पास आ जाएगा डेल एस। ठीक है, कुल दूरी को अपन डेल एक्स मान लेते हैं, या फिर एक्स एवरेज ले लिया और टी एवरेज, कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है ये। तो ये आपके पास उत्तर आ गया एक्स एवरेज बटे टी एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने समझा दिए, चौथा जो पॉइंट है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, कमेंट कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।